पश्चिम दिल्ली में बीजेपी सांसद परवेश वर्मा ने मस्जिद को लेकर हैरान करने वाला बयान दिया है। उनका मानना है कि ज्यादातर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके मस्जिद बना दी जाती है और वो इसे हटा कर रहेंगे। भाजपा सांसद परवेश वर्मा ने कहा, दिल्ली में अतिक्रमित सरकारी भूमि पर निर्मित मस्जिदों को ध्वस्त किया जाएगा। सांसद ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मुद्दे पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को पिछले साल उठाया था। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के सवाल पर वर्मा ने कहा कि उन्होंने पहले कहा था कि अगर कोई उनसे मंदिर या गुरुद्वारों के लिए निर्माण के लिए सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत करता है तो वह उपराज्यपाल को कार्रवाई के लिए पत्र लिखेंगे। वह कहते हैं कि हालांकि कोई भी मंदिर या गुरुद्वारा सरकारी भूमि पर नहीं पाया जाता है, केवल मस्जिदें सरकारी भूमि पर पाई जाती हैं। पश्चिम दिल्ली से सांसद ने कहा, लेकिन सरकारी जमीन पर कोई मंदिर गुरुद्वारा मिलता भी नहीं है, केवल मस्जिद ही सरकारी जमीन पर मिलती है और सरकारी जमीन पर मस्जिद होगी तो उसका टूटना निश्चित है। बीजेपी सांसद ने किन आधार पर इन बातों को कहा है यह उनसे बेहतर और कोई भी नहीं बता सकता है, लेकिन सरकारी जमीन पर तुरंत ही मस्जिद हटाने की बात करना थोड़ी जल्दबाजी सी लगती है। वहीं इसके अलावा दिल्ली से ही एक और खबर सामने आई है, जिसमें विधानसभा चुनाव से पहले सोमवार को निगरानी दल ने अर्जुन नगर में एक व्यापारी से 49 लाख रुपए से अधिक जब्त किए। इस मामले में अधिकारियों ने बताया कि चुनाव निगरानी दल ने कृष्णा नगर निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले क्षेत्र में नियमित निरीक्षण के दौरान ये रुपए जब्त किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी पूर्व के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में अधिकारी ने कहा कि व्यवसायी ने दावा किया है कि वह एक व्यावसायिक उद्देश्य के लिए 49.16 लाख रुपए ले जा रहा था। मालूम हो कि अगले ही महीने फरवरी 8 तारीख को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसका परिणाम 11 फरवरी यानी 2 दिन बाद घोषित किया जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी आपने पूरी तैयारी कर लिया है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री चेहरा सामने नहीं लेकर आई है। चुनाव से पहले बीजेपी सांसद परवेश वर्मा द्वारा मस्जिद को लेकर दिया गया बयान पार्टी की मुश्किलें खड़ी कर सकता है। वहीं दिल्ली में बीजेपी और आपके बीच में आम आदमी पार्टी का पड़ला ज्यादा भारी लग रहा है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को यूट्यूब की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रतिमाह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूरी है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।